हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मनी बैंक। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए वेस्ट कागज़, न्यूज़पेपर या मैगजीन, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। उसके चाहिए स्वेटर वाली सिलाइयाँ और कैंची। इसको हम फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने एक शीट के चार भागों में डिवाइड करा है, यानी कि काटा है इसको डिवाइड करके, और इसके हम बाकी सभी पार्ट्स को भी कट कर लेंगे। और लंबाई वाले हिस्से की तरफ रखते हुए मैंने सिलाई वाली स्वेटर वाली सिलाई को रख के इसको रोल बनाना शुरू किया है। रोल बनने के बाद हम इसको फेविकोल से चिपका लेंगे। इसको फेविकोल से चिपकाने के बाद इसको हम सूखने के लिए रखते हैं। तब तक हमारी चौड़ाई वाले हिस्सा है उसका भी रोल बना के रख लेंगे। सभी टिक जो हमने कटिंग करी थी कागज़ की, उन सभी का रोल बना के अच्छे से फेविकोल से चिपका के उनको भी सूखने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी लंबाई वाली स्टिक तैयार हो चुकी है सूख के, और ऐसी ही हमारी चौड़ाई वाली स्टिक भी सूख के तैयार हो चुकी हैं। अब हम गत्ता लेंगे। इस गत्ते को लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आप कट करके इसको आप चाहे तो ग्लू गन से, फेविकोल से, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं स्टेपलर। स्टेपलर से इसको मतलब गत्ता अच्छे से चिपक जाता है, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं गत्ते आपस में, इसलिए मैंने स्टेपलर का यूज़ किया हुआ है। और इसके साथ ही हम जो हमने स्टिक तैयार करी थी लंबाई वाली, उस स्टिक को चिपकाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो भी हम स्टिक चिपकाएंगे वो इक्वल होनी चाहिए, और ऐसे ही हम चारों तरफ इसको चिपकाते चले जाएंगे, कोई आगे पीछे ना हो। और इसको सूखने के लिए रख दिया है। अब हम ये जब तक सूखना है तब तक हम इसके नीचे की तरफ का जो हिस्सा है उसको कट कर लेंगे, यानी कि उसको चिपकाएंगे, ताकि साथ साथ ये भी सूखता रहे हमारा। और आप चाहे तो स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करना चाहे तो नहीं करें। उसके बाद हम लगाएंगे ऊपर की तरफ से कागज़, यानी कि ऊपर कोई भी वेस्ट कागज़ हो, कोई भी आप चिपका सकते। मेरे पास फ्लावर वाला कागज़ था, इसलिए मैंने फ्लावर वाला कागज़ को यूज़ किया हो, और चारों तरफ से चिपका दिया है। इसके साथ ही हम ढक्कन तैयार करेंगे ऊपर कवर करने के लिए। इसको हम कवर करने के लिए पहले ढक्कन की कटिंग करेंगे। ढक्कन की कटिंग करने के लिए पहले इसमें मार्क कर लेंगे, यानी कि पहले इसमें निशान लगाएंगे हमने बीच में, ताकि हमारा हाफ पार्ट इसका खुल सके। हमें फुल नहीं करना, डब्बे का हाफ पार्ट होता है, उसी हिसाब से हमने ऊपर ढक्कन का भी हाफ पार्ट पे निशान लगा लिया है, ताकि हमारे इक्वल जगह पे निशान हो जाए, आगे पीछे इक्वल हो जाए। अब हमने निशान लगाने के बाद इसको थोड़ा सा कट करेंगे, हल्का सा कट करेंगे, वो मैं आपको बताएंगे कि कैसे कट करना है। अभी हम पहले इसके नीचे का रख लगाएंगे लेस। ये जो वेस्ट शीट पड़ी थी यूज की हुई, उसी की मैंने नीचे कागज़ की चारों तरफ की बाउंड्री कट करके, क्योंकि वेस्ट मटेरियल से बनाया है इसलिए मैंने वेस्ट मटेरियल ही यूज किया हुआ है। आप चाहे तो लेस या कोई भी गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की, आप जैसे मर्जी चाहे लेस भी लगा सकते हैं। अब हम इसको भी चारों तरफ से कवर कर लेंगे, ताकि हमारा ये हिस्सा नीचे का सूखता जाए फेविकोल से या ग्लूगन से। इसको सूखने तक तब तक हम अपने गत्ते की कटिंग करते हैं। कटिंग को हम ऐसे करेंगे कि हमारा गत्ता अलग ना हो, सिर्फ हाफ गत्ता कट करना है, नहीं तो ये अलग हो जाएगा। हाफ गत्ता कट करने के साथ साथ हम इसमें बना लेंगे एक छेद। ये छेद इसलिए बनाया गया है ताकि हम पैसों को इजीली मनी बैंक के अंदर डाल सकें। हम इस गत्ते को भी कट कर लेंगे, कटिंग वाले को। इसको कटिंग करने के साथ हम एक और काम है, साइड में बटन जिसमें कि हमें इसको लॉक करेंगे, उसको भी कट कर लिया है। अब हम चाहे तो इसको फेविकोल से या स्टिक, दो ऑप्शन है कि पहले आप फेविकोल लगा के गत्ते को पेस्ट कर सकते हैं, और फिर उस पर ताकि हाफ पे ही फेविकोल लगाना, ताकि हमारा हाफ खोलता रहे और हाफ बंद होता रहे। और साथ ही हम इस पर लगा लेंगे ये स्टिक। अब मुझे पहले हाफ पे फेविकोल लगा के इसको चिपकाना अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने पहले हाफ पे चिपकाया है, और फिर बाद में मैंने ये स्टिक चिपकाई है। ये स्टिक को इस तरीके से चिपकाते हुए जाएंगे, और साथ ही चारों तरफ मैंने लेस लगा दी है ताकि हमारा कवर अच्छे से हो जाए। और साथ में मैंने स्माइली फेस, जो कि वेस्ट पड़े थे घर पे, तो हमने वही यूज किए हैं। जो भी हमारा वेस्ट सामान था उसे हमने थोड़ा इसको डेकोरेटिव अट्रैक्टिव सा कर लिया है, ताकि हमारी मनी बैंक भी थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए और मनी डालने का भी मन करे। इसके मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यह मन पैसे डालते हुए कि हमें कितनी इजीली हमारे पैसे स्माइली फेस के अंदर जा रहे हैं। और जो हमने कटिंग करी थी फ्लावर की, वो कटिंग भी हम चारों तरफ लगा दी है शेप में काट के फूलों को, ताकि हमारे चारों तरफ से सुंदर फूल तैयार हो जाए। अगर आपको बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।